भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भूपी भाई को भी सद्बुद्धि दे मेरे परिमल की तरह। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सोसाइटी में। मतलब इन्होंने जो कांड कराया ना छम छम पार के बाहर खड़े रह के, वो इस नेशनल टेलीविजन पे नहीं इंटरनेशनल टेलीविजन पे सब लोगों ने देखा होगा ना, सोसाइटी के लोगों ने तो देखा ही होगा ना। इंटरनेशनल की करा मैं बाबा जी की करा। नीतू ना न लीजिए आप मेरा, बस नहीं सुनना मैंने किसी का कुछ भी। मैं तो चिंकी का सोच के मुझे तो कुछ कुछ हो रहा है। हे भगवान, ये मनुष्य ऐसा क्यों करता है। सॉरी सॉरी सर। वैसे यकीन नहीं होता चकुड़े कि भूपी भाई जैसे भूपी भाई ऐसी गंदी हरकत कर सकते हैं। सच कहूँ ना तो मैं नीतू भाभी के सामने ऐसे इजी इजी बोल रहा था, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल भी इजी नहीं हूं। ऐसी ऐसी घिनौनी हरकत की भूपी भाई ने, मतलब मुझे मुझे ऐसा मन किया कि उनके कान पकड़ू, उनका कॉलर पकड़ू और उनसे पूछू कि ये क्या है भूपी भाई, घर कम पड़ रहा था कि बाहर की जरूरत पड़ी आपको। एक मासूम देवी जैसी नीतू भाभी के बारे में आपने सोचा ही नहीं। छी परिमल, गुड परिमल गुड, लेकिन अभी कंट्रोल करो अपने गुस्से पर। इट्स ओके। आसान नहीं है ऐसे कंट्रोल करना। ऐसी बात जब मैं सुनता हूँ ना तो मेरा लोई ऐसा लावा बन जाता है। यू तो नो मी। आई नो अरे भूपी भाई एक ऐसे इंसान है जो बहाना बनाकर बार में चले गए, लेकिन एक तुम हो चकुड़े। तुम हॉस्पिटल में गोल्डी को ले जाकर तुम उसकी सेवा कर रहे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरे हस्बैंड हो सच्ची। लेकिन सुनो तुम ना भूपी भाई के पीछे ऐसे ज्यादा मत लगना हो अभी। क्या है ना कि अगर मुझे पता चला कि तुम उनके पीछे पीछे ऐसे बार बार में जाने लगे तो यू तो नो मी। अरे मेरी तरफ देखो जरा, देखो देखो मुझे मुझे देख के ऐसा लगता है। तेरा सोचो, डीप में जाके सोचो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं नहीं अभी भी तुम ऐसा ऊपर ही हो, आंख बंद करके डीप में जाके सोचो, मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ। चकुड़ा मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बाहर जैसी गंदरी भैया जगह में कभी नहीं जाओगे। थैंक यू, आई ट्रस्ट यू। बाप रे बच गए मरते मरते आज। चकुड़ा जरा इतना धीरे है, ये टाइट हो गए। सॉरी सॉरी ऐसे ठीक है। तुम कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तुम इतने सीधे, इतने भोले, एकदम गाय जैसे हो सच्ची गोलूडिया। सो जाते हैं अभी। हाँ नीतू, नीतू मेरा पर्स मुझे नहीं मिला, तूने देखा। और ओहो ये बर्तन क्यों फोड़ रही हो, ये बर्तन साफ कर रही हो या बर्तनों को घर से हमेशा के लिए साफ कर रही हो। देखिए सवेरे सवेरे मुझे आपके मुंह नहीं लगना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन 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 कुछ नहीं, और कुछ नहीं सोचा, मुंह उठाकर अब बियर पार की ओर चल रही है। मैं मुंह उठा के नहीं गया था, प्लानिंग की थी। मतलब प्लानिंग की थी, क्लाइंट से मिलने की प्लानिंग की थी, फिर गया था ना वहाँ उससे मिलने, और ऊपर से बार के बाहर मिला था। क्लाइंट ने बताया था ना तुम्हें। ओ गोल्डी था टंडन साहब, और कितना झूठ बोलेंगे आप। ओ नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट, वो तो गोल्डी था। तो क्लाइंट कौन था। देखो आई एम सॉरी, मैं वहां गया था लेकिन बार के अंदर नहीं गया था। दरअसल ये सब मैंने गोल्डी और परिमल ने मिलके प्लान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परिमल भाई साहब का नाम मत लीजिए। अरे वो तो गरीब गाय है गाय,
गाय. He's such a clever guy. क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो गाय है. और नहीं तो क्या? क्या नसीब है मेरे. इतना भगवान का नाम लेती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, बाबा जी मेरे नसीब में क्या आया तो ये भी हर बार जाने वाला पति. रुको, ना धर्म ध्यान करती हूँ, ना भगवान का नाम लेती है, उसके हिस्से में क्या है? संस्कारी पति. देखो नीतू, माथा पीटने से कुछ नहीं होगा. मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि मैं बार के बाहर खड़ा. हाँ हाँ, आप बार के बाहर खड़े थे ताकि वो न्यूज चैनल वाले आए, आपकी रिकॉर्डिंग करें और आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाओ, है ना? ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो. हाँ. मैं ऑफिस जा रहा हूँ. चिंकी, चिंकी को आवाज मत लगाइए. क्यों? क्योंकि उसकी सारी सहेलियां उसे तंग कर रही है. कह रही है, चिंकी तुम्हारे पाप बियर बार के बाहर पकड़े गए और न्यूज चैनल वालों ने सब रिकॉर्डिंग कर लिया. तो उसको समझाओ कि जो उसने देखा वो नहीं था जो उसने देखा. हमेशा आंखों से देखा हुआ सच नहीं होता. देखिए टंडन साहब, आपकी पहेलियां आप ही जानो, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ चिंकी की वजह से हूँ. मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा. नीतू, अरे मैं करूं तो क्या करूं यार, बाहर के चक्कर में घर बार से गया. Damn it. और कैसे हैं कुलकर्णी साहब? कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे सोसाइटी में. शेमलेस है? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ कहा आपने. वो तो मैं भगवान का नाम ले रहा था. अच्छा, मुझे लगा आप दिन रात सिर्फ माधुरी भाभी का नाम लेते हैं. कैरेक्टरलेस. भाभी कैरेक्टरलेस है? वो नहीं. हाँ. अरे गोल्डी, परिमल कैसे हो भाई? भाई तेरा मेंटेन सेफ डिस्टेंस, हम लोग शरीफ लोग हैं. अच्छा, कौन से एंगल से तुम दोनों शरीफ हो बेटा? मुझे फंसा के खुद शरीफ बने घूम रहे हो? आज के जमाने में जो नहीं पकड़ा जाता है उसी तो शरीफ कहते हैं. वो सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम दोनों को रूपल और नीतू के सामने जाके कहना होगा कि मैं उस दिन अकेले बाहर नहीं गया था, तुम दोनों भी मेरे साथ गए थे और ये मुझे लेके गया था. भाई पेट्रोल के कुएं में तो आग लगाने जैसी बात कर रहे हैं आप. ये नहीं होगा हमसे, सॉरी. और मैं अपने पराठे बंद नहीं कर सकता. चलो, जेन्युइन प्रॉब्लम है इसलिए बोल रहे. सॉरी हां भूपी भाई. अच्छा बेटा, तुम दोनों को तो देख लूंगा. टेक केयर. हां टेक केयर. अभी ऐसा टेक केयर करूंगा ना, याद रखोगे बेटा. बहुत ज्यादा उड़ रहे हो ना, इतना गंदा फंसाने वाला हो ना. तुमने वो बार गर्ल बिंदिया का नंबर मेरे मोबाइल पे सेव करा के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की. अब देखो मैं क्या करता हूँ. हेलो हेलो बिंदिया, चमकेगी? कौन है ये विजनलेस? वो बिंदियारा. बिंदिया रानी. अरे कुलकर्णी सेठ, तू इधर ही रहता है क्या? हाँ, ये पर... ना, ना ना ना, मैं यो बाजू के सोसाइटी में रहता हूँ, चलता हूँ. इधर बोल रहा है जाने की बात, उधर बार में तो तेरे को धक्के मार के बाहर निकलना पड़ता है. हेलो 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 हेलो. अर्जुन का मैं मुझे चलना पड़ेगा, मैं जाना पड़ेगा. अरे परिमल सेठ सुन दो. क्या मस्त बारिश हो रही है? नहीं चैप्टर 11. हेलो भूपी भाई. हाँ हाँ बोलिए बोलिए मेरे शरीफ परिमल साहब, बताइए क्या फरमाते हैं, कैसे याद किया? अरे मजाक मत कीजिए, वो बाहर वाली बिंदिया है ना, वो सोसाइटी में आ गई है. मैं क्लब हाउस में सोफे के पीछे छुप के आपको फोन कर रहा हूँ. क्या कह रहे हो, बिंदिया यहाँ? मेरे ख्याल से जरूर ये किसी घटिया इंसान की बेहूदी साजिश है. हाँ वही तो, क्या है, किसने किया ये सब पता लगाना है. आप प्लीज यहाँ आइए और मेरी मदद कीजिए. मैं बचाना तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन क्या करूँ, अभी यहाँ से मैं बहुत दूर चर्च गेट पे हूँ. चर्च गेट में आप क्या कर रहे हैं?
चर्चगेट में रखा ही क्या है, आप इधर सोसाइटी में आइए। रूपल ने मुझे बिंदिया के साथ देख लिया ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी भाई। करना तो हम बहुत चाहते हैं मेरे दोस्त, लेकिन क्या करें, हालात से मजबूर हैं क्योंकि हम तुमसे अभी बहुत दूर हैं। अरे हाँ ना, चर्च गेट पे हैं, इसलिए अभी तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। क्या बेस्ट ऑफ लक भाई हेलो सुनिए। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। हेलो अब आएगा मजा। जब मैंने साथ देने को कहा तो खिसक लिए जनाब, और अब जब खुद फंसे हैं तो दोस्त की याद आ रही है बेटा। जमीन पे बैठ के पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। कितना भी ज्ञान आ जाए ना, इंसान धरती से जुड़ा रहता है। ये परिमल सेठ तो भी इधर ही था, इधर चला गया। क्या एक्सरसाइज नहीं की थी ना आज, जरा इसलिए नीचे बैठ के पढ़ रहा था। पढ़ो पढ़ो, आप भी पढ़ो। गुड मॉर्निंग मैम। ये तेरे परिमल सेठ का घर कौन सा है, कौन से फ्लोर पे रहता है? आपको क्या काम है परिमल सेठ से? तेरे को जितना पूछा ना उतना जवाब दे, बेफालतू में टाइम फोकट करने का नहीं, समझा ना? छठे माले पे ऊपर। लगता है मैम लिफ्ट खराब है, आप एक काम कीजिए ना, सीढ़ियों से ऊपर चले जाइए ना। सॉरी के बच्चे, लड़की कहाँ गई? आपके घर। अरे भगवान, अभी सबको इन्फॉर्म कर दे, कल सुबह परिमल सेठ का अंतिम संस्कार है। लेकिन क्यों? क्यों क्या, तूने लड़की को घर पे भेज दिया मेरे, अब तक तो वो रूपल के सामने नाच रही होगी। ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्या है लिफ्ट खराब थी तो मैंने बोला सीढ़ियों से चली जाओ, तो अभी रस्ते में होगी, घर पहुंची नहीं होगी, जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे परिमल सेठ, तू अभी तो तू मेरे को नीचे दिखा, फिर मिस्टर इंडिया की माफी किधर गायब हो गया? अरे वो मैं नीचे ही था, तुमने देखा नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिंदिया जी, आप यहाँ क्या कर रही है? कमाल है सेठ, तूने तो बोला था कि इधर तेरा फिल्म डायरेक्टर आने वाला है, तू मीटिंग करवाने वाला है। मीटिंग, फिल्म डायरेक्टर, ये सब मैंने कब बोला था? तूने फोन किया था मेरे को। मैंने कोई फोन नहीं किया था आपको, आपको गलत फहमी हो रही है। दिखाओ क्या क्या। देख, भूपी भाई का नंबर। अच्छा, उनके इज्जत की लंगोटी उतर गई तो मुझे नंगा करने पे तुले हुए है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। सुनना रूपल, हम लोग 8 बजे तक आ जाएंगे ना, मुझे टंडन साहब के लिए खाना बनाना है। हाँ भाभी आ जाएंगे, पूरी शॉपिंग करनी है आज। सर्दी हो गई आपको? नहीं तो? तो छींकने की आवाज कहाँ से आई? यहाँ पर तो कोई नहीं है। हाँ अरे भाई, ऊपर से कोई छीका होगा, चलना निकलते हैं, लेट हो रहा है, चल। अरे बाप रे, उसकी लाइट का अभी तो की नहीं आई, वापस बिगड़ गई। मैंने नहीं जाना छह माला उतर के। अरे भाभी, उतरने में प्रॉब्लम नहीं होती है, उतरना तो क्या, ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करके उतर जाएंगे। थैंक गॉड, अरे तुमने मरवा दिया था विद्या। सॉरी ना सेठ, मैं जानबूझ के थोड़ी ना की ना, अचानक से छींक आ गई तो मैं क्या करूं? बराबर बराबर। वैसे बोल, क्या डायरेक्टर कब आने वाला है? कौन डायरेक्टर है भाई? देखो, कोई डायरेक्टर आने वाला नहीं है, कोई डायरेक्टर आता ही नहीं है। मैं भी वो डायरेक्टर को रोज बुलाता हूँ, वो भी नहीं आता है। किसी ने तुमको उल्लू बनाया है, तुम यहाँ मत रुको, जाओ भाई जाओ। बस कर सेठ,
मैं मीरा रोड से आई तेरे डायरेक्टर से मिलने के लिए, समझा ना? अच्छा तो क्या करेंगे, एक काम करो मीरा रोड वापस जाओ। क्या बोल रहे तू? नहीं पसंद है मीरा रोड तो बांद्रा जाओ भाई, जहाँ जाने का है जाओ, लेकिन यहाँ मत रुको। ठीक है चली जाएगी, दो मिनट पानी तो पिला देना। बराबर है, मीरा रोड से आई है, हाँ प्यास लगी होगी। नहीं आओ आओ आओ। भूपी भाई लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? ये सवाल भी तुमने मुझसे क्यों किया? मेरी बीवी के सामने मेरी नाक कटवा दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब बस्ती करने की बारी है तो सब साथ में हो लिए, प्लान बना लिया, जब मैं फंस गया तो दोनों पतली गली पकड़ कर कट लिए। जल्दी अंदर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी क्या कर रही हो, जल्दी अंदर आओ। बैठो मैं पानी लेके आता हूँ फटाफट। हाँ ओ क्या है ये डांस बार नहीं है, ये मेरा घर है, सब मत करो इधर। चलता है ना सेठ? नहीं बैठने का तो आराम से बैठने का, वरना बैठने का ही नहीं, समझा ना? हाँ समझा समझा, अभी अभी मैं पानी लेके आता हूँ। वैसे तेरा घर तो बहुत सुंदर बने ला है। थैंक यू। क्या बात है सेठ, बोले तो एकदम झकास। क्या हुआ? तेरा बेडरूम किधर है? बेडरूम 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 क्यों क्यों? थक गई है ना मैं। पांच मिनट लेट जाओ। नहीं 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 लेट नहीं सकते, अभी फटाफट मैं पानी लाता हूँ, पी के जाने का घर पे। हाँ ए परिमल बाबू, दूर दूर से दूर से दूर से दूर से ये सब नहीं, प्लीज प्लीज। अरे पर मैंने आपको ऑलरेडी सॉरी बोल दिया ना। सॉरी बोला तभी चुपचाप वहीं पर खड़े रहो, और खबरदार जो परिमल को कुछ भी बताया वरना इस पंचिंग बैग की जगह तुम होगे और मैं मोर मोर करता हवा निकाल दूंगा, तुम्हारी हवा निकाल दूंगा। नहीं 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 आप मारो मारो, लेकिन थोड़े ठंडे हो जाओ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हाथ दर्द कर रहा है? मैं ठंडन नहीं हूँ, ठंडन हूँ। ठंडा तो मैं तब होऊंगा जब मैं रूपल से कह के परिमल के सारे बैग बोरिया बिस्तर सब बालकनी से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे अरे भाभी अब तो बताइए बाहर जाने का प्लान चेंज क्यों कर दिया? हम लोग जब नीचे उतर रहे थे तो किसी ने छीका, अब बाद में जब हम नीचे गए तो छोटे लाल ने भी छीका, और बाहर निकलते वक्त ये शुभ संकेत नहीं होते ऐसा सवेरे सवेरे आज ही बाबा जी कह रहे थे, तो थोड़ी देर रुक के चलते हैं। ठीक है भाभी, आपकी थोड़ी देर हो जाएगी तो मुझे बताना, मैं घर पे ही बैठी हूँ। हाँ ठीक है, मैं आवाज लगाऊंगी, ठीक है बेल मारती हूँ। ओके अरे ये अंदर से लॉक है, परिमल आ गए घर पे? एक मिनट, अरे अरे बाप रे मेरी वाइफ आ गई। अरे तो मिलवाने का ना? पागल हो, अगर तुम्हें मिलवाए ना तो वो मुझे किसी से मिलने लायक नहीं छोड़ेगी। ओ परिमल तुम चलो, तुम अंदर चलो, इधर बाथरूम में छुप जाओ। चुप चुप चुप, कमाल है क्या कर रही है? जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना प्लीज। इसके पैसे मिलेंगे ना? हाँ मेरी माँ मिलेंगे, इसके भी पैसे मिलेंगे, सबको पैसे है, दुनिया पैसों के पीछे। रूपाल। ओ परिमल। हाँ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? सब्जी धो रहा था ना। क्या हुआ? ये सैंडल किसकी है? कौन सी? किसकी सैंडल है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.